शर्मा अंकल की बेटी त्रिशा और मैं साथ नहीं पढ़े हैं। एक हफ्ते बाद ही उसकी शादी है बनारस में। घर के बाकी लोग तो पहले ही जा चुके हैं, बस अंकल यहाँ का सारा काम निपटा कर एक दो दिन में निकलने ही वाले थे, पैसे और शादी के सारे गहने लेकर। इनफैक्ट हम भी निकलने ही वाले थे। कैसे होगी शादी, सब कुछ ले गए भरद्वाज जी, बर्बाद हो गए हम। अरे शर्मा जी चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। हाँ अंकल, मैं और पापा दोनों मिलकर त्रिशा की शादी धूमधाम से करेंगे, है ना पापा? सर ना कोई सुराग है और ना ही कोई फिंगरप्रिंट, सिर्फ ये तेल के धब्बे मिले हैं। मुझे लगता है ये कच्चा बनियान गैंग की पहली वारदात है जो भोपाल में हुई है। पिछले एक महीने में दो वारदातें उज्जैन में हुई है और एक इंदौर में। इससे पहले कि ये अपने और पर फैलाएं, उनका चैप्टर यहीं क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन सर बिना किसी पुख्ता सबूत के हम मिस्टर शर्मा के घर के अलावा और भी आलीशान घर हैं सोसाइटी में, और भी बड़ी गाड़ियां हैं सोसाइटी में, लेकिन उन्होंने इनके ही घर पे क्यों अटैक किया? क्योंकि इन्हें पता था कि ये शादी का घर है और यहाँ गहने होंगे और मिस्टर शर्मा यहाँ पे अकेले होंगे। इसका मतलब कोई ना कोई इन्फॉर्मेंट तो है जो इन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सर मुझे लगता है शायद वो वॉचमैन भेड़ की खाल में भेड़िया कोई और ही है, और वो वॉचमैन अभी जिंदा है या नहीं ये भी हमें पता नहीं है। मिस्टर शर्मा आपको किसी पर भी शक हो या फिर कुछ भी ऑकवर्ड लगे तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। इस घर के भेदी को पकड़ना बहुत जरूरी है, इससे पहले ये किसी और परिवार को अपना निशाना बनाए। ओके टेक केयर, चलो। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सर सीसीटीवी फुटेज किसी काम का नहीं है। ये देखिए, ये चारों अपने चेहरे पर काला रंग लगाकर आए थे और ऊपर से कमरे में इतना अंधेरा था। ये चारों कोई भी हो सकते हैं सर। एक मिनट, डिवाइन करो। देखा, ये बाकायदा चाबी से दरवाजा खोला गया है, लेकिन भारद्वाज फैमिली तो पूरी घर के अंदर थी, तो स्पेयर की वहां किसने रखी? कहीं उनके गुमनाम खबरी ने तो नहीं? क्योंकि उन्हें पता था कि की कहाँ है, उन्हें यह भी पता था कि पैसे कहाँ हैं, तो एक बात तो श्योर है कि घर का कोई ना कोई बंदा तो जरूर है, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे कुछ और ही लग रहा है। पड़ोसियों से पता चला है कि कल रात को रागिनी का बर्थडे था। हेलो, ओके थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। रागिनी को होश आ गया, हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो और गिरोह या खबरी के बारे में कुछ बता पाए। चलो रागिनी जी, कल जो आप पर हमला हुआ उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? रागिनी जी आप प्लीज बताइए कि आप पहचान सकती हैं उन लोगों को, किसी का नाम पता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनीथिंग? रागिनी जी सर प्लीज आप लोग बाहर निकल जाइए प्लीज। दीदी राहुल, मैं तुम्हारा दर्द बांट तो नहीं सकता लेकिन समझ जरूर सकता हूं। वैसे उन लोगों को पकड़ने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है।
आई एम सॉरी मिस्टर राहुल, तुम्हारी बहन कोमा में चली गई, अब पता नहीं कब होश आएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे जो भी हेल्प हो सकेगा मैं आप लोगों की करूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पे उन दरिंदों को आप लोग पकड़िए, कहीं उसमें मेरी दीदी पे फिर से हमला किया तो। रागिनी की टेंशन तुम मत लो, मेरे कॉन्स्टेबल 24 घंटे वार्ड के बाहर खड़े रहेंगे। हादसे से पहले जो कुछ भी हुआ था वो छोटी से छोटी डिटेल मुझे बता दो, कुछ भी मिस मत कर। मैं सब बताऊंगा, सारी बातें मैं बताऊंगा। ऐसे भी अतुल उसके पीछे पैसों के लिए पड़ा था, ना कि मैं। आपने अतुल से पूछा क्या? मुझे नहीं पता कि रागिनी ने मेरी तरफ इशारा क्यों किया। सर, मैं मानता हूं कि मुझे पैसों की जरूरत थी, है भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये सब किया है। आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। आवाज नीचे रख के बात करो। सर, मेरी और रागिनी की शादी होने वाली थी। वो शायद विनोद की तरफ इशारा कर रही थी, वो भी तो वहीं खड़ा था और वो तो उसके पीछे पड़ा हुआ। सर, कल रात तुम कहां थे? इंस्पेक्टर साहब, कल रात मैं मेरे दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में था। आपको अगर मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो 12-15 लोग थे हम लोग, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैं घर पर था, अकेला ही था। देखिए सर, इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैंने ये सब किया है। देखिए, मुझे कानून पता है, बिना किसी ठोस सबूत के आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। सर, ये विनोद तो मुंह नहीं खोल रहा, अतुल भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन रागिनी ने तो हॉस्पिटल में इन दोनों की तरफ इशारा किया था, तो कच्चा बनियान गैंग का खबरी इन दोनों में से तो एक है। हो सकता है अतुल ने पैसों के लिए ये सब किया हो, या फिर विनोद ने जलन की वजह से। खैर, जाने दो दोनों, कोई ना कोई गलती तो जरूर करेंगे। हाँ, इन दोनों की कुंडली निकलवाओ। सर, कान खोल कर सुन लो तुम सब, अगर वो लड़की बच गई तो हम सब के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि वो हम सबको पहचानती है। और हाँ, एक कमजोर कड़ी और है जिसे हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसलिए याद रखना, एक भी सबूत नहीं बचना चाहिए। पुलिस का कहना है कि कच्चा बनियान गैंग के पास ऐसा कोई खबरी है जो चोरी करने से पहले वहाँ की सारी खबर देता है, वो हमारे बीच में रहने वाला कोई भी हो सकता है। बोला था ना, तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। सुरा, आगे से परेशान मत करना। दस लाख का कर्जा था तेरे ऊपर, सब पता किया है हमने। चोरी के दूसरे दिन इतने पैसे कहां से आए थे बस? अरे सुबह, दो महीने पहले बैंक में लोन अप्लाई किया था सर मैंने, आज ही सुबह पैसे ट्रांसफर हुए। मैंने कुछ नहीं किया है, आप पता कर सकते, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। सर, विनोद का फोन है, कह रहा है कि सिर्फ आपसे ही बात करना चाहता है, केस के बारे में कुछ बताना चाहता है। हाँ विनोद। सर, मुझे पता चल गया कि भारद्वाज अंकल का मर्डर और रागिनी की हालत किसने की है। सर, वो हेलो विनोद, फोन कट गया। विनोद की जान खतरे में, उसकी लोकेशन ट्रेस करो जल्दी जल्दी। सर, लगता है गिरोह का खबरी यही था, पैसे की कमी तो इसके पास थी नहीं, तो ये सब जलन की वजह से उनका साथ दे रहा था। और जब इससे रागिनी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो इसके अंदर का आशिक जाके, और इससे पहले कि ये हमें कुछ बताता, इस कच्चा बनियान गैंग ने इसे ही मार दिया। हाँ सर, लगता तो यही है। सर, हमने अतुल के डिटेल्स चेक किए हैं, उसने वाकई लोन ले रखा था। एक बात और सर, ये कच्चा बनियान गैंग किसी भी शहर में एक या दो वारदातों को ही अंजाम देता है, अब तक तो ये लोग भोपाल छोड़कर भाग गए होंगे।
लड़की को अस्पताल में कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं है। इसको जल्दी से घर ले जाने का इंतजाम करो, बाकी मैं देख लूंगा। रागिनी आप? लेकिन आप तो हम अभी आकर उसे अरेस्ट करते हैं। नहीं सर, मैं जैसा कहती हूँ आप प्लीज वैसा कीजिए। मैं इस पूरे गैंग को सजा दिलाना चाहती हूँ। लेकिन इससे तो आपकी जान को खतरा है। परवाह नहीं सर, मैं बस अपने मम्मी पापा के कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हूँ, किसी भी कीमत पे। जिसने मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ए, रुक जाओ। बेवकूफी नहीं करना, हथियार फेंक दो, फेंको। यार मैं नहीं, तुम और तुम्हारे सिपहिया नीचे डाले गए। नीचे डाला थे यार, ये तो ये कबूतरी की गर्दन उड़ा दोबारा। रुको, रख रहा हूं। पीछे हट। ए, हट। हमारे रक्षक है तो हमें क्या चिंता। जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश, सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा। पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार। शनिदेव महाराज की महिमा। शनिदेव की सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। चल
तुम? क्यों किया तूने ऐसा? याद कमी छोड़ी थी पापा ने तेरे लिए? दिमाग में ऐसी घटिया बात आई भी कैसे? रागिनी, जब आपको पता था कि घर का भेदी ये राहुल है, तो उस दिन आपने हॉस्पिटल में विनोद और अतुल की तरफ इशारा क्यों किया? नहीं सर, मैं तब भी इसी पे इशारा कर रही थी। तुम कच्चा बनियान गैंग के टच में कैसे आए? मैं पहले घर से माँ और बहन के गहने चुरा कर बेचा करता था। ये तो ठीक है, कब तक तू ये छोटे मोटे काम करता रहेगा? अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। बोल, करेगा? चल ठीक। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और शर्मा अंकल के घर शादी थी, तो मुझे पता था कि पैसे और गहने कहाँ रखे हैं। उनके घर में चोरी होने के बाद तेरा लालच और बढ़ गया, फिर मैंने अपने घर में चोरी करवाने की सोची, लेकिन मेरा मम्मी पापा को मारने का कोई प्लान नहीं था, ये सब बस एक एक्सीडेंट था। मेरा विश्वास कीजिए दीदी। दीदी मत बुला मुझे तू, तेरी वजह से मम्मी पापा। विनोद को क्यों मार दिया? विनोद ने मुझे इन लोगों से पैसे लेते देख लिया था, इसलिए इन लोगों ने विनोद को मार डाला। ये रख पैसे और मुंह बंद कर अपना, रख ले वरना अपनी बहन के साथ तू भी मरेगा। सर वो तो अच्छा, और रागिनी को टाइम पे होश आ गया और उसने तुम्हें और इनको बात करते हुए सुन लिया। इसको जल्दी से घर ले जाने का इंतजाम करो। ऐसे मैंने वहां एक कांस्टेबल तैनात किया था, वो क्या कर रहा था? सर उसे चाय नाश्ते के बहाने मैंने ही बाहर भेजा था। आप रात से यही ड्यूटी कर रहे हो, अब जाओ थोड़ा चाय नाश्ता कर लो, मैं यहाँ पे हूँ। अब तुम इन सब के साथ जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। लेके जाओ सर। प्लीज मुझे ऐसे बाहर निकालो। दीदी 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 प्लीज दीदी।